खरगोन जिले में भीषण गर्मी के दौर में जल संकट गहराता जा रहा है। प्रशासन के प्रयासों के बाद भी कई गांवों में पेयजल समस्या विकराल बनी हुई है। पेयजल समस्या से त्रस्त ग्रामीण शिकायतों के बाद भी समस्या का हल नहीं होने से इस कदर नाराज है कि आगामी दिनों में होने वाले चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी तक दे रहे हैं। मंगलवार को भीकनगांव जनपद के ग्राम पंचायत कांझर में ग्राम बाड़ी की महिला पुरुष कलेक्टर पहुंचे। यहाँ संतोष मोरे, राहुल सिंह, अभिषेक सावन ने बताया कि करीब 1000 आबादी वाले गांव में हर साल गर्मी में पेयजल संकट रहता है। पूरे गांव में महज एक ट्यूबवेल के सहारे पानी सप्लाई होता है, जो जनवरी या फरवरी माह में दम तोड़ देती है। हैंडपंप भी शोपीस बने हुए हैं, इस कारण ग्रामीणों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जनसुनवाई अधिकारी ने उन्हें गाँव में टैंकर के जरिए पेयजल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। किस गांव से और किस समस्या को लेकर आप यहां सर? हम ग्राम पंचायत कांझर से बाड़ी गांव से आए हैं। हम पानी की समस्या लेके आए हैं। हमारे आसपास कोई पानी नहीं है। दिन भर हम पानी भरते हैं, 4-5 किलोमीटर से पानी लाते हैं सर। दिन भर पूरे पानी में खराब हो जाता है हमारा। ये पानी की समस्या कब से आ रही है आप? सर हमको तो 2-3 साल से समस्या है, पर पीएचई विभाग को भी बोलते हैं, वो भी नहीं सुनते, और सरपंच मंत्री जो भी है पंचायत वाले उनको बोलते हैं, वो भी नहीं सुनते। आप कलेक्टर साहब यहाँ पर आए, क्या आश्वासन मिला आपको? जी सर, उन्होंने बोला कि हाँ करवा देंगे। बोले उन्होंने बोला कि आपको है ना तो टैंकर से पानी दिलवाएंगे या कुछ भी करेंगे, ऐसा बोला है उन्होंने, आश्वासन दिया है। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति आपकी? सर आगे मांग नहीं पूरी होगी तो फिर और कहाँ से ला रहा अभी पानी आप? हम तो सर आसपास के कुएं से टैंकर मोल बुलवाते सर, नहीं तो फिर हम कुएं से पानी लाते हैं तो दिन भर खराब हो जाता ना सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष मोरे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।